भारतीय संविधान में प्रदत्त अपने अधिकारों को प्राप्त करने हेतु एवं देश में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानताओं के लिए तथा देश में बढ़ती हुई सामाजिक विषमताओं, अपराध के विरोध एवं देश की राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ दिनांक 8 अगस्त 2018 से पूरे भारत में आमरण अनशन भूख हड़ताल का आंदोलन डॉक्टर अम्बेडकर महासभा के आह्वान पर पूरे देश भर में जारी है, जिसमें अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ मुख्यालय मुरादाबाद के नेतृत्व में डॉक्टर अम्बेडकर पार्क सिविल लाइन मुरादाबाद पर दिनांक 8 अगस्त 2018 सुबह 10 बजे से संगठन के कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसमें दौलत सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष व चंद्रलाल गौतम राष्ट्रीय संगठन एवं प्रचार मंत्री आमरण अनशन पर तथा मुन्नालाल एडवोकेट व ओम प्रकाश सागर सदस्य कार्यकारिणी अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ मुख्यालय मुरादाबाद एवं संगठन के अन्य कार्यकर्ता व सामाजिक लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए। यह अनशन दो चरणों में, प्रथम चरण 8 अगस्त से 15 अगस्त तथा द्वितीय चरण 16 अगस्त से अनिश्चित काल तक, जब तक सरकार हमारे मांगे न मान लेता, चलता रहेगा। यह आंदोलन में दिन प्रतिदिन आमरण अनशन पर आंदोलनकारियों की संख्या बढ़ती रहेगी और किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। भूख हड़ताल स्थल पर हरगोविंद सिंह, लटूरी सिंह, परमाल सिंह, राज सिंह, राम सिंह, मेघराज सिंह, संजीव कुमार, कुलदीप कुमार, सुरेंद्र सिंह, अजीत कुमार, ओमपाल सिंह, महावीर प्रसाद मौर्य, गौतम सिंह, अशोक कुमार, मुन्नालाल एडवोकेट, चंद्रलाल, दिनेश कुमार, सुनील कुमार आदि लोग मौजूद हैं। हम लोग अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ के पदाधिकारी हैं और 8 तारीख से ये हमारी भूख हड़ताल चल रही है, जिसमें दो लोग हमारे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष दौलत सिंह और जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे पदाधिकारी हैं चंद्रलाल गौतम, और जो है एक हमारे बुजुर्ग हैं, ये भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, और बाकी लोग जो है क्रमिक हड़ताल पर बैठे हैं। और इस भूख हड़ताल का हमारा उद्देश्य, हम सब लोग, हमारे एक संगठन है अखिल भारतीय अम्बेडकर महासभा के आह्वान पर हम जो है बैठे हैं मुरादाबाद में, और मुरादाबाद में ही नहीं, भारत के अंदर तमाम जिलों में और सारी स्टेटों में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और भूख हड़ताल पर बैठने का हमारा कारण है कि SC ST जो एक्ट है, जो SC ST समाज के लोगों को एक सुरक्षा देने का काम करता था, उसको 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कमज़ोर कर दिया था। एक हमारी ये मांग है, एक स्पेशल कंपोनेंट जो SC ST एक्ट के जो समाज के लोग हैं उनको बजट का 21% पैसा उन पर खर्च करने के लिए क्या व्यवस्था है संविधान के अंतर्गत है, उसकी एक ये मांग है हमारी, और निजीकरण में आरक्षण की मांग है। और इसी के साथ साथ ये जो सर्वे होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बैकवर्ड के जो लोग हैं उनकी जो संख्या है, उनकी संख्या को उजागर करके और सभी क्षेत्रों में उनकी संख्या के अनुसार उनको जो है आरक्षण दिया जाए और प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए। इस तरीके से ये हमारी तमाम सारी मांगें हैं, और जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर हमारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चलता रहेगा। ठीक है।